नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बड़ी अपडेट। जिस प्रकार से पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि पोस्ट किया गया था आपके 18 तारीख को, और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को पता चला था कि अगले हफ्ते तक जो है आंसर की अपलोड हो जाएगी। तो आंसर की अपलोड हो चुकी है दोस्तों, आप लोग उसे देख सकते हैं। उसे कैसे देखना है, जिन लोगों का एग्ज़ाम 9 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में था, 9 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में था, मतलब जिन लोगों का एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में था, उन सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की आंसर की अपलोड की जा चुकी है। उसे कैसे देखना है ये देखते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर जाएं, गूगल पर आप जो है टाइप करें bhuonline.in। इस प्रकार से bhuonline.in आपने टाइप किया, जब आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने नोटिफिकेशन प्रोविजनल आंसर की ये भी दिख रहा है। और इसके अलावा आप अगर यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करें से तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविजनल आंसर की UET PET 2020 पर। आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट हुए थे 9, 10, 11, 14 और 18 सितंबर को, उनकी आंसर की जो है अपलोड की जा चुकी है। जिन लोगों कैंडिडेट्स को जो है इसे आप चैलेंज कर सकते हैं, डेट ध्यान से देख लीजिएगा, 3 PM से 24 सितंबर के बीच जो है आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज कैसे करना है और चैलेंज क्यों करना है ये आप समझ सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं और जिनके पास आपके पास वैलिड प्रूफ है, उन क्वेश्चंस को आप मिला लीजिए, उन क्वेश्चंस को आपको रिपोर्ट करना है, चैलेंज करना है। चैलेंज कैसे करना है इसके लिए वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, फर्स्ट फेज का जब आंसर किया आया था तो हमने इसे अपलोड किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर से आप जा कर के देख सकते हैं। और आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं लॉगिन करने में, या किस प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो वीडियो आपको पूरी प्रॉब्लम को पूरा एक डिटेल्ड उसमें बताया गया स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको आंसर की अपलोड करनी, मतलब डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद कैसे मैच करना है, मैच करने के बाद ऑब्जेक्शन कैसे देना है, पूरा प्रोसेस उस वीडियो में दिया गया है। तो उस वीडियो का आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि आप नोटिफाइड हो सकें, आपको जानकारी मिल सके कि आपको अपनी आंसर की कहाँ से अपलोड करनी, कहाँ से डाउनलोड करनी है और कैसे मैच करना है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जल्द ही आपके लिए एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं कि आपको आपका काउंसलिंग कब से शुरू होगा, और काउंसलिंग के अलावा आपका रिजल्ट कब तक आएगा, और इसके अलावा आपको किन किन क्वेश्चंस पर आपको चैलेंज करना है, वो वीडियो भी हम आप लोगों के लिए लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।